सारे भ्रष्ट एक हो गए हैं। 2019 में काले और सफेद धन की लड़ाई राज्यवर्धन राठौड़, सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामलों और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की तारीफ की। राज्यवर्धन राठौड़ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक अंग्रेज अखबार को इंटरव्यू देते हुए राज्यवर्धन राठौड़ ने कई सवालों के जवाब दिए। राज्यवर्धन राठौड़ ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में भी एक बड़ी बात कही। पढ़ें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का इंटरव्यू सवाल, आपकी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या हैं? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दैश, हमारी सरकार ने उच्च विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया है। हमने देश को बदलने के उद्देश्य से काम किया है। इसके लिए 3 पहलू अपनाए हैं, विकास, बेहतर शासन और देश को बदलने के तरीके। हमारी सरकार की नीतियां दूरदर्शी रही हैं। इन नीतियों ने देश के कई लोगों के जीवन में बदलाव आया है। पिछले 4 सालों यह वही देश है, लेकिन वैश्विक स्तर पर एक अलग प्रभाव बनाया है। वही सरकारी अधिकारी है, लेकिन काम करने में फर्क आया है। कार्य नैतिकता बदल गई है। क्या आप कुछ उपलब्धियां बता सकते हो? राज्यवर्धन राठौड़, हमने कई काम किए हैं। महिलाओं के मुद्दे पर नीतियां बनाई हैं। देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। काम करने की स्पीड को बढ़ाया है। दुनिया में वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत बढ़ी है। हमने देश के किसानों के लिए भी काम किया है। विपक्ष के आरोप निराधार है, राज्यवर्धन राठौड़। विपक्ष ने मोदी सरकार पर कृषि संकट के समाधान खोजने में विफल होने का आरोप लगाया है। पेट्रोल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को भी एक विफलता बताया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दैश, विपक्ष के आरोप निराधार हैं। हम उन लोगों के साथ बहस कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाला करके देश को अपमानित किया, जिन्होंने 10 वर्षों में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को लेकर कुछ भी नहीं किया। हम उन लोगों से तुलना कर रहे हैं जिन्होंने कभी पड़ोसी देश के खिलाफ सैन्य कार्यवाही नहीं की। पेट्रोल की कीमतों के बारे में राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अगर विपक्षी दलों को पेट्रोल की कीमतों की इतनी ही चिंता है तो वो अपने राज्य की सरकारों को कहकर टैक्स कम करा दें। जब केंद्र पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने की बातें की जाती हैं तो सारी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती हैं। क्या BJP 2019 में संयुक्त विपक्ष के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दैश, देश में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब विपक्ष एक साथ आया है। पहली बार यह आपातकाल के दौरान था। अब विपक्ष की लड़ाई एक अच्छी और स्वच्छ सरकार के खिलाफ लड़ाई है। भ्रष्ट राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा और अपने मतभेदों को अलग करके एक साथ आने का फैसला किया है। साल 2019 की लड़ाई सफेद और काले की लड़ाई होगी। BJP काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पिछले 4 सालों में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब एक ईमानदार सरकार चलती है तो किन लोग शामिल होते हैं, यह भी पढ़ें। बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में लूट लिया कुरियर कंपनी का दफ्तर, वारदात CCTV में हुई कैद।